अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज आपसे तिक्का बूटी की रेसिपी भी शेयर करनी है, और हमारे पास जो है वो 2 किलो गोश्त है, और इसमें फिर हमने जो है वो 2 पैकेट बिहारी बूटी के मिलाए हैं, ठीक है, और कचरी पाउडर है, और इसके अलावा आधा किलो दही है, और लहसुन है, अदरक है, उसका पेस्ट बनाया है, फिर इसको मिलाएंगे। अभी जो है वो हम हसबे मामूल बूटियाँ जो है वो इसको काट रहे हैं, और जो बड़े पीस हैं उसको हम लोग छोटा कर रहे हैं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसको मसाला लगाकर 2 से 3 घंटे जो है वो इसको रख देंगे ताकि ये बिल्कुल गल जाए। तो नाज़रीन लेट्स गो, शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे, क्योंकि ईद गुजरी है और ईद पे मेरी कोई वीडियो नहीं है। तमाम को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। तमाम हज़रात को ईद का सेकेंड डे बहुत बहुत मुबारक हो। और आपको रेसिपी भी बता देते हैं, वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन गोश्त जो है वो रेडी हो गया है, और इसमें हम लोग अभी इसमें कचरी पाउडर भी हमने मिला लिया है, और हसबे मामूल इसमें हमने नमक वगैरह भी मिला लिया है, और मिर्चें वगैरह भी इसमें रेड वाली मिर्चें भी मिला ली हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम 2 से 3 घंटे जो हैं वो रख देंगे। इसमें हमने बिहारी बूटी के पैकेट्स जो हैं वो भी इसमें मिक्स कर लिए हैं, और इनको 2 से 3 घंटे हम लोग रख देंगे ताकि अच्छी तरीके से जो हमने चीज़ें इसमें मिलाई हैं वो मिक्स हो जाएं, और फिर इसको हम लोग शीखों पर बूटियाँ लगाएंगे तो अच्छी तरीके से ये बिल्कुल पक जाएंगी, और फिर खाने में भी मज़ा आएगा। तो आइए फिर मज़ीद आगे चलते हैं हम लोग। हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से गल गया है। अब इसको हम लोग शीखों पे बोटियां लगाने के बाद इसको अंगीठी में हम लोग पकाएंगे। अस्सलाम, ये हमारी पूरी टीम है, ये सुल्तान भाई और वो बादल भाई हैं, ये दानियाल भाई हैं, और ये हमारे शेफ जो हैं मोहम्मद अवैस भाई हैं। नाज़रीन ये मेरे सारे फ्रेंड्स जो है ना वो लगे हुए हैं अपने काम पर, और इस पूरे सेटअप में 3 से 4 घंटे मैक्सिमम लग जाते हैं। और आपको बताए कि ये ईद के मौके ही होते हैं, जो जितने भी फ्रेंड्स होते हैं ये सारे जमा होते हैं। वैसे तो पूरा साल ही हर कोई अपने काम में बिज़ी होता है, तो यही के मौके पर जो ना हम लोग साथ होते हैं। अल्लाह पाक इन सबको खुश रखे। और नाज़रीन वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।